ओके स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज़। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज़ करने से पहले हमें कुछ इसके बारे में जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है, कुछ बेसिक्स जानकारी जिसमें जो आपकी हेल्प करेगी, कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे जो आपकी हेल्प करेगा कि हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, पहली बात तो क्या है कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखूंगा मैं आप लोगों के लिए, और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो उन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी। पहले यहां पर जो पहला पॉइंट होगा वो होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल के बिना नहीं हो सकती। पहली बात तो आप ये समझ दीजिए। ठीक, दूसरी बात इसमें हम बात करेंगे इसकी साइड्स जो होती हैं। ठीक है, साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, हम दूसरी बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के बारे में। ठीक है, और तीसरा जो इसमें आएगा वो होगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, मीन्स पीजीटी। पीजीटी आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे डिफाइन करता है। ओके ठीक, इसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम देख रहे हैं यहां पर एलिमेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो हम इन एलिमेंट्स की बात करेंगे। इसके बाद हम कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ओके, और इन फॉर्मूलास के बिना आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हम बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की बात करेंगे। तो ये कुछ आपके 5 पॉइंट हैं। ठीक है, और इन 5 पॉइंट का यूज़ करेंगे हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी टॉपिक के लिए बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ज़रा उसको ढंग से समझना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला हमारा कौन सा पार्ट है? हमारा, मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा पहला पार्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर मैं बात करता हूं राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, तो आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो पता होगा ही। एक हल्का सा ब्रीफ सा इसका एक मैं करूंगा इंट्रो। ठीक है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ये हुआ। ठीक है, सपोज ए, बी और सी, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में राइट का मतलब क्या हुआ? राइट का मतलब हुआ 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट का मतलब हुआ 90 डिग्री। चलिए, तो यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये रहा। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल होगा 90 डिग्री, बाकी दो होंगे 90 डिग्री से कम। ठीक है, लेकिन इनका सम पूरा वही होता है 180। ठीक है, जो जो ट्रायंगल की जो डेफिनेशन है ना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, तो ये भी उसी को फॉलो करेगा। लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि तीन में से एक एंगल तो 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल हम कहेंगे उसको। और यहाँ पर राइट का मतलब 90 डिग्री से ही है। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे शुरू करते हैं। देखिए, तो पहले हम बात करेंगे इसके साइड्स की। देखो, इसी चीज में ना फर्स्ट पॉइंट में मैं सेकंड पॉइंट भी क्लियर कर देता हूँ, है ना। पहले फर्स्ट पॉइंट में सेकंड पॉइंट भी हम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हम अगर देखें तो साइड की बात करते हैं, साइड्स। ठीक है, तो साइड्स कौन कौन सी होती है? एक होती है हाइपोटेनियस, ठीक है, एक होती है इसका बेस, और एक होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये कुछ साइड्स हैं। अब होता क्या है, हम पहले बात करते हैं हाइपोटेनियस की। तो हाइपोटेनियस कौन सी साइड हुई? हाइपोटेनियस साइड कौन सी भी, ये आपका 90 है, ये आपका 90 है। तो 90 के ठीक सामने वाली साइड, मतलब वो साइड जो 90 के ठीक सामने होगी, इसे बोलेंगे हाइपोटेनियस। आया समझ में? ठीक है, और इसको हम मान सकते हैं परपेंडिकुलर, और इसको मान सकते हैं बेस। ठीक है, अच्छा, या इसको मान लो बेस और इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, आपकी मर्जी है। अच्छा, अगर मैं 90 को चेंज करूं, अगर मैं 90, माना मैं फिर से बता रहा हूं आपको, अगर मैं 90 यहां ले लूं,
सपोज एंगल ए 90 है, तब इस हिसाब से हाइपोटेनियस क्या होगा? मैंने क्या बताया कि 90 के ठीक सामने वाली साइड, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होगी आपकी हाइपोटेनियस। तो ये आपकी हाइपोटेनियस हो गई। बाकी इसे हम क्या मान सकते हैं? परपेंडिकुलर। इसे मान सकते हैं बेस। ओके, या इसे मान लीजिए परपेंडिकुलर और इसे मान लीजिए बेस। ठीक, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसमें अब क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, वो कंडीशंस क्या है? जैसे ये आपका 90 डिग्री है माना एंगल ए, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने होता हाइपोटेनियस, ये तो हो गया फिक्स। ठीक है, और इन दोनों साइड में से किसी भी एक को मान सकते हैं परपेंडिकुलर और किसी को मान सकते हैं बेस। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल भी दिया रहे, सपोज जैसे एंगल सी, ठीक है, तो तब इस केस में क्या करना है? देखिए, ये 90 हो गया, 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अब यहां पर अब किसे माने परपेंडिकुलर, तो किसे मानना है? देखिए, जब भी बात होगी एंगल की, तो अभी एंगल सी बता रहा है आपको। ठीक है, तो एंगल सी के ठीक सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई उसे बोल देंगे बेस। ये बेस हो गया। आई बात समझ में? मतलब ये है कि जब तक आपको एंगल नहीं मिला रहेगा, तब तक हम अपने मन से मान सकते हैं हाइपोटेनियस तो फिक्स हो गया, 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस। ठीक है, और जब तक एंगल नहीं मिलेगा, तब हम अपने मन से मान सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस, या फिर ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, लेकिन अगर कोई एंगल होगा, जैसे एंगल सी बोल दिया मैंने दिया, ठीक है, तो एंगल सी के ठीक सामने वाली साइड तब आपकी परपेंडिकुलर ही होगी, इसे याद रखना, अगर एंगल बोलेगा। ठीक, और जो बच गई वो बेस हो गई, ये हो गया। चलिए, अब अगर वो एंगल बी की बात करें, अब क्वेश्चन में अगर वो 90 के अलावा एंगल बी बोल दे, चलो जरा सपोज ये बोल रहा है आपसे, है ना, तो फिर अब एंगल बी के ठीक सामने वाली साइड आपकी बन जाएगी परपेंडिकुलर और ये होगी बेस। ठीक है, तो एंगल बी के ठीक सामने वाली साइड बनेगी आपकी परपेंडिकुलर और ये होगी बेस। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो उसको नोट कर लीजिए, है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं इसकी पीजीटी थ्योरम की। ठीक है, पीजीटी थ्योरम की बात करते हैं अब। देखिए, तो पीजीटी थ्योरम में क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि पीजीटी जो है हम यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। हमारा तीसरा पार्ट कौन सा है? पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। कैसे? पहली बात, ये होती क्या है? पीजीटी होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। अभी आपको इस ट्रायंगल में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैंने पहले जो है इसको हाइपोटेनियस माना था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाया था इसको। ठीक है, जो भी है, चलिए जो भी। तो पीजीटी में क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम परपेंडिकुलर जो साइड होगी उसका स्क्वायर करें, बेस जो साइड होगी उसका स्क्वायर करें और दोनों को प्लस कर दें। ठीक है, तो उनका सम क्या होगा? उनका सम जो है हाइपोटेनियस के जो साइड होगी उसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि हाइपोटेनियस जो साइड होगी आपकी वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ी होगी। ठीक है, बड़ी होगी आपकी, हमेशा छोटी नहीं हो सकती, वो बड़ी होगी हमेशा। ठीक है, तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, अब बात करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते क्यों हैं। इसका एक यूज ये है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं साइड्स निकालने के लिए। मतलब क्या? मतलब ये है इसका कि सपोज करो कि आपको हाइपोटेनियस दे दिया 5 सेंटीमीटर, आपको परपेंडिकुलर दे दिया 2 सेंटीमीटर और आपसे कह रहा कि बेस निकालो। ठीक है, हाइपोटेनियस 5 दे दिया, परपेंडिकुलर 2 दे दिया और कह रहा है कि बेस निकालो। भाई अब तो भाई अब जब बेस निकालना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है ना। हाइपोटेनियस 5 रखो, परपेंडिकुलर में 2 रखो, अब बेस निकाल दो। तो इसी प्रकार से हम तीनों में से, हम हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों में से किसी भी एक को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एक को निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज क्या होता है, टू फाइंड द साइट, या मैं इसको लिख देता हूं टू फाइंड एनी साइट से मतलब है हाइपोटेनस हो या परपेंडिकुलर हो या बेस हो, किसी भी एक को हम निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 की, इसके एलिमेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स सुनेगा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के, अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स की। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं 6। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, ठीक है, और चौथा होता है आपका कौशियक, पांचवा होता है आपका सेक, और छठा होता है आपका कॉट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के एलिमेंट्स हैं, इनको आप एलिमेंट्स बोल लो या कंपोनेंट्स बोल लो या रेशियोज बोल लो, है ना, इसको कुछ भी बोल सकते हैं हम। अच्छा जी, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो एलिमेंट्स हैं या रेशियोज हैं या कंपोनेंट्स हैं, ये बिना एंगल के नहीं आते। मतलब अभी जो मैंने लिखा ये अधूरी जानकारी है, ये कंप्लीट नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि ये बिना एंगल के नहीं आते, तो इसके पीछे एंगल लगा देते हैं, कभी थीटा होगा, कभी ए हो सकता है, कभी फाई हो सकता है, कभी बी हो जाएगा, कभी ये सी हो जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा, लेकिन एंगल जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिना एंगल के नहीं आ सकते, इनकी वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब ये एंगल में हो, और एंगल में नहीं होंगे तो हम इसकी वैल्यूज नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि बिना एंगल के नहीं आते। चलिए तो अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास की। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास से पहले मैं आपको जरा एक चीज बता दूं, यहां पर मैं यहां पर नंबर 5 पॉइंट को मिटा करके नंबर 5 पॉइंट में शिफ्ट कर देता हूं, नंबर 5 पॉइंट में शिफ्ट कर रहा हूं, क्या कि रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, ये अब सुनो, देखिए आप लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, मैंने अब ट्रिग्नोमेट्री की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में मैं यूज़ कर रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आप ये बोल रहे होंगे कि यार ट्रिग्नोमेट्री में जो है राइट एंगल ट्रायंगल का काम क्या है, काम है इसका, देखिए ये जो पांचवा जो पॉइंट है आपका, इस पांचवे पॉइंट में आपने गौर करना है। ठीक है, हम इसमें ये समझने वाले हैं कि जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपके आएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल से क्या मतलब है इनका रिलेशन क्या है। तो इसके रिलेशन को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक जगह मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इनको समझने के लिए हमें एक काम करना होगा, देखिए तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि पांचवे पॉइंट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या एलिमेंट्स या कंपोनेंट से क्या रिलेशन है, तो वह समझेंगे हम, एक सिंपल सी चीज याद करेंगे इसके लिए। देखिए पी बी पी एच एच बी, ठीक है, ये जो है, ये जो है ना, इसको पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए ये जो है याद करने का तरीका है, हो सकता है कि आपको ये किसी और तरीके से पता हो, है ना, लेकिन चाहे तरीका कोई भी हो, हम इसका लिंक इससे निकालेंगे। देखो P फॉर परपेंडिकुलर साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है, B फॉर बेस, है ना, अब बेस भी जो है होगी साइड राइट एंगल ट्रायंगल की, और H फॉर हाइपोटेनियस। ठीक है, चलिए तो इससे तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ये जो पैटर्न यहाँ लिखा गया है ये राइट एंगल ट्रायंगल के संदर्भ में है, ये इसके लिए है। ठीक, अब हेडिंग में अगर आप गौर करो तो यहाँ पर रिलेशन निकल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का रिलेशन निकल रहा है, किससे निकल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। कैसे देखते हैं, तो जो पहला रेशियो है, चेक करेंगे इसको, आपका जो पहला रेशियो है, पहला रेशियो, ठीक है, ये होगा साइन के लिए, मीन्स पी अपॉन एच। इसका मतलब ये है कि हम साइन की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस होगा।
अब दूसरी बात यह है कि भैया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस कहाँ से मिलेगा? अरे भाई कहाँ से मिलेगा? राइट एंगल ट्रायंगल से मिलेगा, है ना। तो ये इस पर डिपेंड कर गया। मतलब जो पहला रेशियो है वो होगा साइन थीटा, साइन के लिए, ठीक है। और जो आपका दूसरा रेशियो है, ये आपका जो दूसरा रेशियो है वो होगा कॉस के लिए, ठीक है। मतलब बी अपॉन एच ये कॉस के लिए होगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉस की वैल्यू को तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास बेस होगा और हाइपोटेनियस होगा। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं टेन की। तो जो तीसरा रेशियो है, यहाँ पर जो आपका तीसरा रेशियो है ये पी अपॉन बी, ठीक है, ये तीसरा रेशियो होगा किसके लिए? टेन के लिए। तीसरा रेशियो टेन के लिए होगा, ठीक है। थोड़ा मैं, ये होगा आपका पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, ठीक है, ऐसे। अब पी अपॉन बी मतलब हमें टेन तब मिलेगा जब हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा, ठीक। तो ये रिलेशनशिप है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और राइट एंगल ट्रायंगल के बीच, ये है रिलेशन। मैंने से पहले बोल दिया था कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेल्प करता है, ये इसी के लिए बना हुआ है। अच्छा जी, अब आप ये देख लीजिए कि अब बाकी क्या, बाकी कॉस का क्या होगा, बाकी सेक का क्या होगा और बाकी कॉट का क्या होगा, ठीक है। जो मेन थे वो तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब बाकी क्या, वो बाकी इस प्रकार समझेंगे हम। देखिए, जो कॉसेक है ना, जो कॉसेक है, कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, इसे याद रखना। कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है। उल्टे से मेरा मतलब क्या है, आपने उसको उल्टा नहीं कर देना साइन को उठा करके। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आपका साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, वन अपॉन कॉसेक थीटा। चलिए, अब जब साइन की जगह पे हम वन अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बेटा इसका उल्टा भी हो सकता है। एंड मतलब यहाँ कॉसेक, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो हम जो है कॉसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करते, अच्छा अब क्या मतलब हुआ इसका? हमने क्या पढ़ा कि कॉसेक होता है साइन का उल्टा, है ना। तो ये बता दें मैंने आपको, ये आपके फॉर्मूले भी हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर साइन का पी अपॉन एच है, साइन का अगर पी अपॉन एच है, तो इस हिसाब से कॉसेक का क्या होना चाहिए? उल्टा कर दो ना यार, क्या होना चाहिए? एच अपॉन पी। कॉसेक का होना चाहिए एच अपॉन पी, समझ में आ रहा है? उल्टा कर दो ना हमने। वैसे सेक होता है कॉस का उल्टा, ठीक है। तो हम उल्टे से मेरा मतलब क्या है कि हम कॉस थीटा की जगह पर लिख सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और इसका उल्टा भी संभव है, हम जो है सेक थीटा की जगह पर लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका आगे भी काम आएगा। चलिए, अब हमने ये पढ़ लिया है कि भैया सेक होता है कॉस का उल्टा, ठीक है। तो अगर कॉस है बी अपॉन एच, तो सेक क्या होना चाहिए? सेक होना चाहिए एच अपॉन बी, ठीक है, एच अपॉन बी। चलिए, अब बात करते हैं कॉट की। अब आप समझ गए होंगे क्या मतलब है इसका। यार कॉसेक जो है साइन का उल्टा हो रहा है, सेक जो है कॉस का उल्टा हो रहा है, तो अब बचा कॉट। तो कॉट किसका उल्टा होगा? आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, कॉट जो है टेन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो टेन का होता है पी अपॉन बी, ठीक है। तो कॉट क्या होगा? कॉट हो जाएगा आपका बी अपॉन पी, कॉट हो जाएगा बी अपॉन पी, आपने उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। तो हम इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, एंड इसका उल्टा भी पॉसिबल है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एंड कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो यह है इसका स्ट्रक्चर और यह है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता ना, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री शायद ही होती। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री शायद ही हो पाती, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसमें अब एक लास्ट पॉइंट हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास की, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना आप लोग।
यह हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास क्या हैं, उसके बिना तो भैया ट्रिग्नोमेट्री का जीवन अधूरा है और तुम्हारा जीवन भी अधूरा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास को हम समझेंगे। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास क्या है एक बार देखते हैं इसको। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि हम साइन थीटा की, साइन, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास की। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सही से समझनी है तो जो बेसिक मैंने समझाया वो आप ध्यान रखना उसके उसके ऊपर, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे जो है बेसिक पढ़ लेते हैं लेकिन फॉर्मूला याद नहीं कर पाते तो फिर दिक्कत हो जाती है, और कुछ बच्चे जो है फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो बेसिक नहीं समझ पाते तो दिक्कत हो जाती है। आपको दोनों में परफेक्ट बनना है, ठीक है। तो देखते हैं, अब हम यहाँ पर टेन की और बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो टेन थीटा होगा हमारे पास, हम उसकी एक और बात कर लेते हैं। देखिए, अब एक और फॉर्मूला हमारे पास है, तो वो फॉर्मूला क्या है कि टेन थीटा इक्वल टू, एक तो ये होता है, ठीक है, और एक ये भी होता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। मतलब ये है कहने का कि अगर आपके पास साइन और कॉस की वैल्यू है तो आप आराम से जो है टेन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, पर शर्त क्या है कि आपके पास जो है साइन और कॉस होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉट की, ठीक है। तो हम ये जानते हैं बेटा कि कॉट जो है टेन का उल्टा होता है। अगर टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब ये भी तो हुआ, समझ आ रहे हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो भाई कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका मतलब ये भी हुआ, ठीक है। अच्छा, तो कुछ फॉर्मूले हैं ये, मैं अब कुछ और फॉर्मूले की बात करता हूँ। जैसे कुछ और फॉर्मूले मैं यहाँ अलग सा इनको लिख लेता हूँ एक बार। देखिए, पहला फॉर्मूला, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला 8.4 का है, ठीक है। अच्छा, ये तो है मेन फॉर्मूला, ठीक है, पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्या होता है कि सिर्फ बच्चे इसको देखते हैं कि यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, चलो हो गया, वो समझ गए कि हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको वन कर सकते हो तो इसका उल्टा भी हो सकता है। कैसे, अगर सपोज करो कि किसी क्वेश्चन में आप सॉल्व कर रहे हो, वन कहीं पे आता है ना, और आपके एमसीक्यूज में जो ऑप्शन है वो इससे मैच नहीं कर रहे, फिर से बोल रहा हूँ मैं, वन कहीं पे आता है और आपके जो एमसीक्यूज हैं वो इससे मैच नहीं कर रहे हैं, तो तब आप क्या कर सकते हो, वन की जगह पर इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर आप इसकी जगह पर ये कर रहे हो तो इसका उल्टा भी, इसका रिवर्स भी कर सकते हो, मतलब ये कि आप जो है वन की जगह पर इसको भी लिख सकते हो, आगे बात समझ में, यानी कि जरूरत पड़ने पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, हम वन की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर ये भी हो सकता है, आपको दोनों तरफ से देखना होगा, इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ, ठीक है। चलिए, अब ये तो है आपका मेन फॉर्मूला, है ना। तो अब ये आपका जो मेन फॉर्मूला है, तो मैं इसके बाद अब बात करता हूँ इससे बनने वाले दो और फॉर्मूलों की जो बहुत काम आएंगे आपके। कैसे, अगर मैं साइन को इधर भेजता हूँ, मतलब इक्वल टू को इधर भेजता हूँ, तो क्या करेगा भाई, वन तो पहले से ही है ना, तो साइन यहाँ प्लस में है तो वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये सभी जानते होंगे आप लोग। तो हमें मिलेगा कॉस, हमको मिलेगा कॉस थीटा, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक, बहुत काम की चीज़ है, बेसिक समझिए इसका पूरा। तो जब मैंने साइन को यहाँ भेजा तो वन माइनस ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो मुझे मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ समस्या ये होती है कि बच्चे समझते हैं कि भैया हम सिर्फ इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर आप इसको इसके इक्वल टू लिख रहे हो बेटा, तो इसको भी आवश्यकता पड़ने पर
हम इसको भी इसके तरह लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में आप यहाँ पर आ जाते हो कि ये केस बन गया आपका, ठीक है, तो हम इसकी जगह पर इसको भी तो लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है भाई। आपको इस तरफ से उस तरफ और इस तरफ से उस तरफ देखना होगा, सारे फॉर्मूले में यही करना आप लोगों ने, कहाँ पर क्या लग जाए, है ना, क्वेश्चन कैसा बन जाए, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये और आगे भी हो सकता है, कैसे, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाया जाए, यहाँ से स्क्वायर हटाया जाए तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट, तो 1 - sin² θ, ये भी हो सकता है भाई, ठीक है भाई, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा आपका। चलिए अच्छा, ये तो मैंने साइन भेजा तो मुझे कॉस मिला, अब अगर मैं कॉस को यहाँ भेजूँ, मतलब इक्वालिटी को उधर भेजूँ, तो मेरे को साइन मिलना चाहिए ना, तो साइन मिलेगा भाई, तो साइन थीटा इक्वल टू, मैं कॉस वहाँ भेज रहा हूँ तो यहाँ पर कॉस प्लस में है, वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, तो यहाँ से हटेगा आपका स्क्वायर तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट, तो 1 - cos² θ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसा बनता है बेटा, कि यहाँ पर जो है कैसी भी कंडीशन बन सकती है, कैसी भी कंडीशन बन सकती है, और अगर कंडीशन मतलब अगर आपको बेसिक पूरा याद है तो कंडीशन चाहे कैसी बने आप कर लोगे उसको, बाकी ये चीज़ें डिपेंड करती है कि प्रैक्टिस पे। अब देखो सीधा मैंने टॉपिक लिख तो रखा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, लेकिन अब ये मान लो कि अगर मैं आपको बेसिक ना बताऊं, ठीक है, या अगर आपने बेसिक ही नहीं पढ़ा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके क्या फ़ायदा है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले बेसिक समझ लीजिए, ताकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ब्रीफली अगर आपको करना हो तो आप उसको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक तो ये हो गया, ठीक है, अब हम बाकी जो फॉर्मूले बचे हैं को यहाँ लिख सकते हैं, जैसा दूसरा फॉर्मूला इसका कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे 1 + tan²θ = sec²θ, ठीक है, 1 + tan²θ = sec²θ, एक फॉर्मूला ये भी है। अच्छा अब जैसे हमने इस मेन फॉर्मूले से कुछ और भी निकाल दिया, वैसे आप इस फॉर्मूले से कुछ और भी निकाल सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करेगा, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 10 को वहाँ भेज सकता हूँ, अगर मैं 10² को वहाँ भेजूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा ना, तो sec²θ - tan²θ, ये भी हो सकता है ना, अगर यहाँ पर 10 प्लस का है वहाँ माइनस करेगा। तो अब मतलब क्या है, अब मतलब ये है कि ज़रूरत पड़ने पर, देखो मैंने क्या बोला था आपसे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आप देखो आपको 360 डिग्री में सोचना पड़ेगा, है ना, कि आप किस प्रकार से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। देखिए इसका मतलब यह है कहने का, अब देखो जैसे हम 1 आ गया, ठीक है, अब माना कोई क्वेश्चन ऐसा बन के आता है कि देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है, है ना, तो आप क्वेश्चन को रीड करिएगा, ऑप्शन को देख लीजिएगा कि यार 1 की जगह पे ये रखूं कि ये रखूं, है ना, 1 की जगह पे इसे रखना सही रहेगा कि इसको रखना सही रहेगा। आप ये भी कर सकते हो कि कई क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि आप 1 की जगह पर sin²θ + cos²θ भी रख सकते हो, तब ये कैसा बन जाएगा, 1 की जगह पर आपने ये रख दिया तो इक्वल टू कितना, sec²θ - tan²θ, आपका यही बन सकता है, ठीक है, जो भी हो, लेकिन आपको बेसिक समझना है और फॉर्मूलों को अपने आप ही जो है दाएं बाएं करना सीखना है, है ना। चलिए ये हो गया आपका। अच्छा अब इसमें क्या देखा हमने, हमने इसमें ये देखा कि हम 1 + tan²θ = sec²θ, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो बेटा इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ये तो आपको पता होना चाहिए अब, है ना, वैसे इसका भी हो गया, है ना। तो अब देखिए अगर हम जो है 1 की जगह पे इसको लिख रहे हैं तो बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा बना तो हम इसकी जगह पर 1 भी लिख सकते हैं और 1 की जगह पर इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, इससे दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा इससे ये बनेगा, मैंने पहले केस में 10 भेज दिया, क्या भेज दिया, 10 भेज दिया, अब मैं 1 भेजूंगा तो मुझे 10 मिल जाएगा, ठीक है, मुझे मिल जाएगा 10, तो 10²θ = what, या तो sec ऑलरेडी पहले से ही है तो यहाँ पर 1 प्लस कर रहा है, वहाँ कर देगा माइनस, कुछ ऐसे, है ना। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, तो ये भी बन गया और ये भी बन गया। तो सब चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि यही आएगा, ठीक है, आपने क्वेश्चन को किस प्रकार से समझा है, आपने बेसिक कितना समझा है, अगर बेसिक आपका क्लियर है तो आप जो है क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं करोगे,
ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया आपका, है ना। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे फॉर्मूले की। पहला ये रहा, ये आपका दूसरा फॉर्मूला 8.4 का। अब बात करते हैं इसके थर्ड फॉर्मूले की, ठीक है। तो 8.4 का थर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है, देखते हैं इसको। तो भैया थर्ड फॉर्मूला भी ऐसी कुछ बनेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसियक स्क्वायर थीटा, ये आपका थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। कुछ ऐसे ही बन रहा है, इसे आप याद कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसियक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कैसे, अब 1 इक्वल टू मैं कॉट को उधर कर दूंगा, है ना। कॉसियक स्क्वायर तो पहले से इस तरफ है, कॉट यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस करेगा, ये बात तो क्लियर है सबकी, है ना। तो यानी क्या मतलब इसका, यानी कि इसका मतलब ये है कि भैया 1 के बन गए तीन फॉर्मूले, एक तो ये और एक ये और एक ये, ठीक है। अब कहाँ पर क्या लगाना है, वो आपके जो क्वेश्चंस जो कंडीशन बनी होगी या जो आपके चार ऑप्शन में से कोई ऑप्शन इनसे मैच करे तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो, है ना। लेकिन तब भी बोलूँगा कि प्रैक्टिस जरूर कर लेना सवालों की, बिना प्रैक्टिस के करना मुश्किल है, ठीक। अच्छा, एक तो सी ये बन गया फॉर्मूला, है ना। अब और क्या हो सकता है इससे, मैंने कॉट यहाँ भेजा, अब मैं 1 भेजूंगा तो मुझे कॉट मिल जाएगा, जब मैं 1 भेजूंगा तो मुझे मिलेगा कॉट, तो कॉसियक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। मैंने 1 भेजा, 1 यहाँ प्लस में तो वहाँ माइनस करेगा। इसके अलावा और अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा रूट, तो कॉसियक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से हटाया स्क्वायर तो यहाँ लगेगा आपका रूट, ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिक जो कंसेप्ट था, जो बेसिक स्ट्रक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का, वो पूरा हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ बचती है, टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो उसकी बात फिर कभी करेंगे फिलहाल, ठीक है। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर, इसको ध्यान ढंग से देखना, फॉर्मूलाज जो हैं आपके स्पेशली, उनको जो है दाएं बाएं करके भी देखना, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले को अगर आप दाएं बाएं करके नहीं देखोगे, दाएं बाएं से मेरा मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। अगर आप जो है फॉर्मूलाज को दाएं बाएं करके नहीं देखोगे तो फिर आपके लिए हो जाएगी दिक्कत। और इसको भी नोट कर लेना, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बहुत मामूली सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब नोट कर देना आप लोग, ओके।